नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा। उत्तराखंड बुलेटिन में आपका स्वागत है। खबरों का रुख करेंगे। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट मैंगलोर पहुंचे, जहां बंद कमरे में एक घंटे के बातचीत के बाद सचिन पायलट और काजी निजामुद्दीन बाहर निकले, जहां पर मीडिया से रूबरू होते हुए सचिन पायलट ने कहा कि मैं अपने दोस्त कांग्रेस के वरिष्ठ नेता काजी निजामुद्दीन की माता के देहांत के बाद उनका दुख बांटने के लिए उनके घर पहुंचा हूं। सचिन पायलट ने राजस्थान के सियासी उलटफेर के सवाल पर उत्तराखंड सरकार पर अपना निशाना साध दिया। वह बोले कि उत्तराखंड में चेहरा बदलने से कुछ भी नहीं होने वाला। उत्तराखंड में भारी प्रचंड बहुमत के साथ में कांग्रेस अपनी सरकार बनाने जा रही है, तो वहीं पर सचिन पायलट राजस्थान की गहलोत सरकार में चल रही सियासी उठापटक पर जवाब देने से बचते नजर आए। जबकि सचिन पायलट कई दिनों से दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं, ऐसे में प्रदेश में होने वाले विधानसभा के चुनाव को लेकर भी सरगर्मी तेज हो गई है। उत्तराखंड के प्रभारी मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने विकास भवन सभागार में जिले में आपदा प्रबंधन को लेकर जरूरी बैठक की, जिसमें कि तय कार्यक्रम के तहत जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत पहुंचे और जिले के सभी अधिकारियों के साथ में आपदा से निपटने और बरसात में आने वाली महत्वपूर्ण समस्याओं को लेकर आवश्यक बैठक कर दिशा निर्देश दिए। प्रभारी मंत्री ने कहा कि जिले में अतिरिक्त 25 जेसीबी मशीनें अलग अलग जगहों पर तैनात रहेंगी, उन्हें एरिया दिया जाए ताकि सड़कों को जल्द से जल्द खोला जा रहा है, किसी भी प्रकार से रोड बाधा ना बने। पानी, बिजली, खाद्यान्न को लेकर सभी विभाग अपनी अपनी तैयारियां पूरी रखें, जनता को किसी भी प्रकार से दिक्कतें नहीं होनी चाहिए। तो प्रभारी मंत्री ने आज जो बैठक की है, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रुद्रप्रयाग की तस्वीर है जहां पर बैठक की गई है, और जो बरसात के दिनों में समस्याएं आ जाती हैं, सड़कें जाम हो जाती हैं, जलभराव की स्थिति पैदा हो जाती है, नालियां चौक हो जाती हैं, तो ऐसे में इन सारी दिक्कतों को किस तरह से दूर किया जा सकता है, इसको लेकर गहन मंथन किया गया और पहले से तैयारियां पूरी करने के लिए प्रभारी मंत्री की तरफ से कहा गया है। तीन बातें यहां पे करने की, एक तो जितनी भी और पीएम और जिला प्लान 25 जेसीबी लगाने का मैंने आज आदेश दिया है पूरे रुद्रप्रयाग जिले में, आज से लेके और सितंबर माह तक रोडों के मार्ग कहीं भी अगर अवरुद्ध होते हैं तो उनको जल्दी जो है चार चार घंटे के लिए 2 घंटे में उनको खोला जाएगा, और प्रत्येक जेसीबी का एक एरिया तय कर दिया है। उत्तराखंड के उच्च शिक्षा एवं आपदा प्रबंधन मंत्री श्री धन सिंह रावत ने श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र में साक्षरता अभियान को शत प्रतिशत कराने के लिए विकास भवन पौड़ी में अधिकारियों के साथ बैठक की है। इस मौके पर जिला पंचायत अध्यक्ष, जिलाधिकारी, डॉक्टर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक व मुख्य विकास अधिकारी मौजूद रहे। माननीय मंत्री धन सिंह रावत ने अपने विधानसभा क्षेत्र के तीनों विकास खंडों में 200 स्थानों पर पुस्तकालय स्थापित करने की कवायद शुरू की है, जिसके लिए उन्होंने संभागीय अधिकारियों से सुझाव भी मांगे हैं। पुस्तकालय में सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए पठन पाठन की सामग्री मौजूद होगी। पुस्तकालयों को मॉडल के रूप में विकसित करने के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। आगामी 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के पावन मौके पर इन पुस्तकालयों का लोकार्पण किया जाएगा। बैठक की है और अब मेरे क्षेत्र में लगभग 10,000 लोग ऐसे हैं कि जो अभी शिक्षित नहीं हैं, और एक बड़ी पहल करने जा रहे हैं हम। अभी उसका पूरा ब्लू प्रिंट बन रहा है और कब क्या होगा, उसको कैसे किया जाएगा, पूरा मैकेनिज्म बनाया जा रहा है, और हमें सोच रहे हैं कि 100% साक्षरता अपने मैं विधानसभा में करने जा रहा हूँ, और बहुत जल्दी इस पूरे अभियान का हम लोग एक नोट बनाएंगे और जल्दी इसकी लॉन्चिंग। लालकुआ विधानसभा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरेंद्र बोरा ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेत्री और नेता प्रतिपक्ष स्वर्गीय डॉक्टर इंदिरा हृदयेश के निधन पर शोक जताया। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय इंदिरा ने अपने पीछे जनसेवा की विरासत छोड़ी है। उन्होंने उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि हृदयेश ने अपनी अंतिम सांस तक कांग्रेस पार्टी की सेवा की। उन्होंने प्रदेश में एक विधायक, पार्षद, मंत्री और विपक्ष की नेता के तौर पर जनसेवा की विरासत छोड़ी है। इन सब के अलावा वह उम्र भर कांग्रेस के प्रति समर्पित रहीं। इंदिरा हृदयेश के निधन से कांग्रेस व प्रदेश में हुए इस बड़े नुकसान को कभी पूरा नहीं किया जा सकेगा। देखिए मैडम इंदिरा हृदयेश जी कांग्रेस की एक बहुत ही सीनियर लीडर थी, मेरे ख्याल में सबसे सीनियर थी वो यहाँ। कितनी बार वो एमएलसी रही, विधायक रही,
और उनको संसदीय ज्ञान भी बहुत ज़्यादा था। भाई देखिए, अकस्मात उनके चले जाने से कांग्रेस पार्टी को एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और मुझे भी बड़ा दुख है, क्योंकि मैडम हर सुख दुख में कोई भी काम हो हम उनके पास जाते थे और हमारे कार्यों को, कांग्रेस पार्टी के कार्यों को, कार्यकर्ताओं को मान सम्मान दिलाने में कोई कमी नहीं करती थी। भाई देखिए, उनके जाने से विशेष तौर पर कुमाऊँ में तो कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि नैनीताल ज़िले की और उधम सिंह नगर ज़िले में मैडम की बहुत तगड़ी पकड़ थी और चुनाव की तैयारियों के सिलसिले में ही उसी चिंता में जो है उन्होंने अपने वहीं रुड़की क्षेत्र के बेटपुर में जहां पर एक और खनन को लेकर तरह तरह की खबरें सुर्खियों में आती रहती हैं, वहीं पर इस बार अलग ही मामला देखने को मिला है। यहां पर कलियर के निकट बेटपुर चौक के पास में एक किसान द्वारा अपनी खेती की जमीन को समतल कराने के लिए जिलाधिकारी हरिद्वार और खनन विभाग से कुछ मिट्टी उठाने की अनुमति ली गई थी, लेकिन कुछ लोगों के द्वारा अनावश्यक शिकायत कर उसके खेत से मिट्टी उठाने में बाधा डाली जा रही थी, जिसके बाद पीड़ित के कार्य में बाधा आ रही है और उसे अपनी खेती को समतल कराने में भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। किसान का कहना है कि मिट्टी उठाने में लगातार हो रही देरी से उसकी फसल को बेहद नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा बार बार ठेकेदार को मिट्टी उठान के लिए कहा गया कि वह जल्द से जल्द काम को खत्म करे, लेकिन ठेकेदार ने अधिकारियों और पुलिस का हवाला देते हुए कहा कि उक्त अधिकारी उनके काम में रोड़ा बन रहे हैं। इस संबंध में ASDM पूरण सिंह राणा ने कहा है कि ग्रामीणों की शिकायत पर उक्त कार्य को रुकवाया गया, क्योंकि शिकायत मिल रही थी कि उक्त ठेकेदार द्वारा अनुमति से ज्यादा मिट्टी का उठान किया गया है। बेटपुर में एक मिट्टी उठान के और खेत समतलीकरण के पॉइंट ऑफ व्यू से DM साहब के स्तर से परमिशन दी गई है और उसमें टोटल 6300 घन मीटर मिट्टी उठान की अनुमति है और 3 जून को उसको अनुमति इशू की गई है। कुछ व्यक्तियों के द्वारा गांव में कंप्लेंट की जा रही है डेली के स्तर पर भी और मुझे भी कि संबंधित व्यक्ति के द्वारा बहुत बड़ी मात्रा में जितनी परमिशन दी गई थी उससे ज़्यादा उठान कर लिया गया है और उसीलिए कल उस काम को मौके में रुकवा दिया गया है। उसमें माइनिंग प्लस टेस्टिंग की एक ज्वाइंट टीम बनाई गई है जो कल वहाँ जाके इंस्पेक्शन करेगी। तो अगर उस व्यक्ति के द्वारा ज़्यादा मिट्टी का उठान किया गया है तो उस पर एज ए एक्ट उसमें कार्रवाई की जाएगी, पेनल्टी इम्पोज की जाएगी और अगर व्यक्ति के द्वारा अभी उतना मिट्टी का उठान नहीं किया गया जितनी उसको अनुमति दी गई है। कोरोना संक्रमण के चलते प्रदेश में चारधाम यात्रा बंद होने से परिवहन व्यवसाय सड़क पर आ गया है। परिवहन व्यवसायियों की मांग है कि चारधाम यात्रा चलने का समय लगभग निकल चुका है, अतिरिक्त बचे हुए समय में सरकार को यात्रा खोल देनी चाहिए। परिवहन व्यवसायी लगातार सरकार से चारधाम यात्रा खोलने की मांग कर रहे हैं, जिसको लेकर यात्रा रोटेशन बस स्टैंड परिसर में परिवहन व्यवसायियों ने यज्ञ में आहुति डालकर सरकार की शुद्धि बुद्धि की कामना की है। देखिए जी, हम लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं क्योंकि इंस्टॉलमेंट समय जो है संपूर्ण जो है भारत में संपूर्ण राष्ट्र में जो है लॉकडाउन खुलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हमारा उत्तराखंड प्रदेश पर्यटन और परिवहन पर ही निर्भर है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो अब हम सरकार से निवेदन करना चाहते हैं क्योंकि हमारा चरम यात्रा काल तो लगभग बीत ही चुका है, लेकिन जो थोड़ा बहुत बचाव अभी है उसके लिए संपूर्ण वाहन स्वामी और पर्यटन व्यवसायियों के हितों को देखते हुए अगर अति शीघ्र जो है चारधाम यात्रा का संचालन अगर सरकार करवा देती है तो ये वाहन स्वामी को और पर्यटन के व्यवसाय पर बहुत बड़ा उपकार होगा। देखिए, मैं तो सरकार से कहना चाहता हूँ कि सरकार ने जो एक भय का वातावरण पूरे देश में बनाया है और जो यात्री आना चाहते थे उनको भी रोका है। सरकार को उत्तराखंड की महान जनता से क्षमा मांगनी चाहिए और समय रहते सरकार को घोषणा करनी चाहिए पूरे देश से लोग यहाँ आएँ, तीर्थ यात्रा पर आएँ, पर्यटन के लिए आएँ और क्योंकि परिवहन और पर्यटन ही यहाँ गाड़ी के दो पहिए हैं। और मुझे बड़ा दुख है कि सरकार आज कोविड काल में परिवहन उद्योग से जुड़े हुए लोग कितने रोजी रोटी से परेशान हैं। पिछले वर्ष पूर्व मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि चालकों परिचालकों को मालिकों को कुछ सहायता की जाएगी, लेकिन कोई सहायता नहीं की गई। मैं वर्तमान मुख्यमंत्री से प्रार्थना करता हूँ इस बात को गंभीरता से लें, पहले तो पूरे देश में इसकी घोषणा करें। वहीं भारतीय जनता पार्टी और पंजाबी कल्याण महासभा रुड़की विकास मंच की ओर से रुड़की के आवास विकास चौक पर एम पथ लैब पर
पांचवां वैक्सीनेशन फ्री कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें कि रुड़की नगर के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं पर जानकारी देते हुए भाजपा पूर्व जिला उपाध्यक्ष संजय अरोड़ा ने बताया कि मैं 25 सालों से रुड़की की जनता की सेवा करता आ रहा हूं। इस कैंप के आयोजन में 45 साल से ज्यादा लोगों को वैक्सीन दिया जा रहा है और जिनको प्रथम डोज लग चुकी है, अब उनको 84 दिन के बाद वैक्सीनेशन कैंप में निःशुल्क डोज लगवाई जाएगी। वहीं पर आए हुए सभी बुजुर्ग व्यक्तियों ने इस कैंप के द्वारा लोगों को बड़ी राहत मिली है बताया है। जहां पर एक ओर प्रदेश में वैक्सीन की किल्लत है, वहीं पर भाजपा पूर्व उपाध्यक्ष संजय अरोड़ा के द्वारा अधिकारियों और स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा लगातार सहयोग मिल रहा है और लगातार हमारा जो बुजुर्ग लोग हैं उनको वैक्सीन दिया जा रहा है। कैंप के आयोजन में प्रवीण सिंधु, भाजपा पश्चिमी अध्यक्ष, वरिष्ठ भाजपा नेता अभिषेक चंद्रा आदि लोग ने बढ़ चढ़ कर कैंप में हिस्सा लिया है। सभी लोग हम मास्क और सैनिटाइजर बांटने लगेंगे तो फिर वो सारे के सारे में सैनिटाइजर और मास्क हो जाएंगे। तो रुड़की में जितनी भी सामाजिक संस्थाएं हैं सब अपना अपना दायित्व निभा रही है। हमने अपना दायित्व वैक्सीन लगवाने पर निभाया है। हम भी ये कोशिश करेंगे अभी कि हम लोग भी इसके बाद जैसे कैंप लगता है, कैंप से कैंप के बीच में जो हमारा समय रहता है उस समय के बीच में हम भी ये कोशिश करेंगे कि शहर में हम भी निकल के जो सैनिटाइजर का है और मास्क का वो भी हम देखेंगे कि अगर कोई नहीं लगा तो हम ये कोशिश करेंगे कि हम लोगों को समझाएं कि भाई जब तक ये कोरोना ख़त्म नहीं होता सैनिटाइजर मास्क का प्रयोग करते रहें। और क्योंकि आज की डेट में कोरोना से लड़ने का डीजीपी अशोक कुमार द्वारा कोविड काल में चलाए जा रहे मिशन हौसला के तहत उत्तराखंड पुलिस प्रदेश भर में जरूरतमंद लोगों की हर संभव मदद करने में जुटी है। और जब से पुलिस का मिशन हौसला अभियान ये शुरू हुआ है, इसमें चाहे ऑक्सीजन सिलेंडर की बात हो, दवाइयों की बात हो, राशन व अन्य जरूरी चीजें हो उपलब्ध कराई जा रही हैं। और इसी क्रम में पुलिस चौकी में कलियर थाना प्रभारी धर्मेंद्र राठी, इमली चौकी प्रभारी गंभीर सिंह तोमर की अगुवाई में गंभीर लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का, जो गरीब लोग हैं उनको सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखने के लिए कहा गया है और राशन वितरित किया गया है। राशन किट उपलब्ध कराते हुए कलियर थाना प्रभारी धर्मेंद्र राठी ने पूरी टीम की प्रशंसा की है, जिसके तहत कोविड संक्रमण के दौर में उत्तराखंड की मित्र पुलिस देवदूत बनकर आमजन की मदद को हाथ बढ़ा रही है। वास्तव में उनकी यह पहल बेहद प्रशंसनीय है, सराहनीय है। तो थाना प्रभारी ने मिशन हौसला चलाया और ये मिशन आम जो गरीब लोग हैं उनकी मदद कर रहा है, उन तक राशन पहुंचाया जा रहा है, ज़रूरी दवाइयां उन तक पहुंचाई जा रही हैं ताकि इस कोविड काल में कोई भी गरीब व्यक्ति किल्लतों की मार ना झेले, वो परेशान इसलिए ना हो कि उसके पास दवाइयां नहीं हैं, वो परेशान इसलिए ना हो कि उसके पास राशन नहीं है। तो ऐसे में इस तरह से मदद की जा रही है ताकि आम जन प्रभावित ना हो और अगर हो भी तो कम से कम हो। उत्तराखंड राज्य हज समिति अध्यक्ष शमीम आलम ने प्रेस नोट जारी करके जानकारी दी है और बताया है कि कोविड महामारी के चलते सऊदी हज मिनिस्ट्री ने दुनिया भर से किसी भी देश के लोगों को हज 2021 यात्रा में शामिल नहीं होने को कहा है। सऊदी सरकार ने अन्य देशों की हज यात्रा रद्द कर दी है। सऊदी सरकार ने साफ कहा है कि इस बार भी दूसरे देश से कोई भी व्यक्ति हज पर नहीं जा सकेगा। कोरोना महामारी के कारण ये लगातार दूसरा साल है जब दुनिया भर के लोग हज करने के लिए सऊदी अरब नहीं जा पाएंगे। सेंट्रल हज कमेटी मुंबई के अधिशासी अधिकारी ने इस संबंध में एक वीडियो जारी कर बताया है कि सऊदी हज मिनिस्ट्री की ओर से ऐलान किया गया है कि सऊदी अरब के अलावा किसी भी देश के लोग इस बार हज नहीं कर पाएंगे। ऐसे में इस साल भी हज यात्रा नहीं होगी। हज 2021 में जाने के लिए लोगों ने आवेदन जमा किए थे, मगर कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए सऊदी सरकार ने 18 से 60 साल के बीच के यात्रियों को हज की अनुमति देने की बात कही थी, जिसमें कि वैक्सीन के दो डोज लेने वाले ही जा सकते थे। कई लोगों ने हज में पाक सफ़र करने के लिए वैक्सीनेशन भी करवा लिया था। हज के लिए इस महीने से यात्रियों का जत्था सऊदी अरब के लिए रवाना होना था, लेकिन अब सऊदी के 60,000 नागरिकों को हज करने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा अन्य देशों के जो नागरिक हैं उनको अनुमति नहीं मिली है। सऊदी सरकार कोरोना महामारी को देखते हुए अन्य देशों की हज यात्रा रद्द कर दी गई है। पिछले दिनों की बारिश के चलते भारत चीन सीमा से जुड़ा नीति
मलारी मोटर मार्ग जोशी मठ के रैणी गांव के पास में 40 मीटर ध्वस्त हो गया है, जिससे कि सेना और रैणी गांव के लोगों का संपर्क टूट गया है। गांव में हो रहे लगातार भूस्खलन से ग्रामीण दहशत में हैं। गांव के स्थायी लोग हैं वो विस्थापन की मांग कर रहे हैं। चिपको आंदोलन की जनता गौरा देवी के तपोभूमि में जो भी भूस्खलन से भूमि कटाव हुआ है उससे पूरे गाँव में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों द्वारा उच्च अधिकारियों से बातचीत की गई है। बद्रीनाथ विधायक से फोन से संपर्क साधा गया है। विधायक का कहना है कि जिलाधिकारी और शासन प्रशासन से वार्ता की गई है, जल्द से जल्द संपूर्ण गांव वालों को अस्थायी रूप से कुछ समय के लिए विस्थापन किया जाएगा। हरिद्वार की उपनगरी ज्वालापुर में भीषण आग लग गई। ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला मेहतान गोदाम में भीषण आग लगी है। आग लगने से गोदाम में रखा हुआ सामान जलकर राख हो गया। आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। आग बुझाने के लिए मौके पर दमकल की कई गाड़ियां बुलाई गई जिन्होंने आग पर काबू पा लिया। हरिद्वार के SMJN PG कॉलेज के छात्र छात्राओं ने 6 महीने की फीस माफी की मांग की है। इस मांग को लेकर NSUI के याज्ञिक वर्मा के नेतृत्व में कई छात्र छात्राओं ने कॉलेज गेट के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान याज्ञिक वर्मा का कहना है कि आर्थिक तंगी के कारण कई छात्र छात्राओं के परिजन फीस जमा करने में असमर्थ हैं, लेकिन कॉलेज प्रबंधन ने जबरन फीस वसूलने का प्रयास किया है। कॉलेज के जो प्रबंधन के तुगलकी फरमान को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ऐसा उनका कहना है, और कॉलेज प्रबंधन को छात्र हित में 6 महीने की फीस माफ करनी ही पड़ेगी। तो वहीं प्रदर्शन करने वाले छात्र प्रमोद ने बताया है कि कोरोना के कारण काम धंधे मंदे पड़ गए हैं, इसलिए कॉलेज प्रबंधन से उनकी मांग है कि या तो उनकी फीस आधी की जाए या फिर 6 महीने की फीस को माफ कर दिया जाए। मेरा नाम आस्था है, मैं BCOM फर्स्ट ईयर से हूँ, और हमारी मांग ये है इस बार कि हमारी फ़ीस माफ़ की जाए, क्योंकि पिछले साल ही लॉकडाउन लगा है, उसके चलते हरिद्वार में आपको पता है जनता जब तक यात्री नहीं आएंगे तब तक कोई काम नहीं है, और हमारे फादर कुछ ऐसे है कि तभी काम है तो दुकानें नहीं खुल रही है, और अभी हमने एग्ज़ाम फ़ीस जमा करी है फर्स्ट सेमेस्टर की, और ये कहते हैं कि 20 तारीख को फिर जमा कर दो 5,000, वो भी कहाँ से लाएंगे इतना, और घर का भी खर्चा चलाना है, और पापा भी अब सिर्फ पापा ही चलाने वाले घर, तो बहुत तकलीफ़ हो रही है, तो इसलिए हमें बस थोड़ा टाइम चाहिए, और हो सके तो माफ़ भी कर दें हमारी। जी, मांगे ये हैं कि लॉकडाउन लगा हुआ है पिछले 2 साल से, और अभी बच्चों ने अभी पिछले फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस जमा करी थी, और अभी 20 तारीख तक इन्हें फर्स्ट सेमेस्टर की एग्ज़ामिनेशन फ़ीस भी जमा करनी है 3,000 रुपये। अब ये कॉलेज प्रशासन कह रहा है, कॉलेज के लोग कह रहे हैं कि 20 तारीख तक ही आप एडमिशन फ़ीस और स्कूल की अपने कॉलेज की फ़ीस भी जमा करिए BCOM की। अब ऐसे में कहाँ से करें, किसी के माता पिता, मतलब किसी के पिताजी ऐसे भी हैं कि ऑटो चलाते हैं, किसी के रिक्शा चलाते हैं, किसी कंडीशन ऐसी नहीं है लॉकडाउन की वजह से, कोई किसी की दुकान पे काम करते, तो ऐसे में कॉलेज को ये सुननी चाहिए बात, भाई फ़ीस तो माफ़ होनी चाहिए ना, या तो कम करें। ये क्या अल्टीमेटम आपने लगा दिया तो गलती फरमान जारी करके कि भाई नहीं भाई आपको 20 तारीख तक की फ़ीस दे। विश्व हिंदू महासंघ के राष्ट्रीय सह संयोजक पंकज नाथ का हरिद्वार आगमन हुआ। प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर विशाल गर्ग के नेतृत्व में विश्व हिंदू महासंघ के सभी कार्यकर्ताओं ने पंकज नाथ का स्वागत और सम्मान किया। इस अवसर पर विश्व हिंदू महासंघ के राष्ट्रीय सह संयोजक पंकज नाथ ने कहा कि हिंदू धर्म में जागृति लाने की आवश्यकता है, हिंदू धर्म के प्रति हिंदुओं को किस तरह से जागृत किया जाए उसके लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं, और विश्व हिंदू महासंघ का किस तरह से विस्तार किया जाए इसके लिए भी हर जिले में कार्यकर्ता बनाए जा रहे हैं जो लोगों के बीच में जाकर हिंदू धर्म के बारे में लोगों को जागृत करेंगे। डॉक्टर विशाल गर्ग ने कहा है कि विश्व हिंदू महासंघ का मुख्य उद्देश्य सभी हिंदुओं को एकजुट करना है। हमारे बीच में पंकज नाथ जी जो हिंदू महासंघ के राष्ट्रीय सह संयोजक है, आज इनका आगमन हरिद्वार में हुआ है, और आज हम सभी कार्यकर्ताओं ने इनका यहाँ पर स्वागत किया है। विश्व हिंदू महासंघ में मैं प्रदेश उपाध्यक्ष के रूप में कार्यरत हूँ, और हिंदुओं को बढ़ाने के लिए ये संगठन जो है यूनेस्को में, इस संगठन का जो है वो रजिस्ट्रेशन है, और यूनेस्को में रजिस्ट्रेशन संगठन का होने के साथ साथ
नेपाल के जो महाराज हैं वो इस संगठन के जो है अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और योगी आदित्यनाथ। वहीं बारिश और गर्मियों के दौरान अक्सर जिला मुख्यालय अल्मोड़ा शहर में कोसी नदी में पंपिंग द्वारा की जाने वाली पानी की आपूर्ति ठप पड़ जाती है या फिर बारिश में उपभोक्ताओं को मटमैला गंदा पानी पीने को मजबूर होना पड़ता है। दरअसल अल्मोड़ा शहर की बसासत कोसी नदी और सुयाल नदी के बीच की पहाड़ी में है जो कि समुद्र तल से 5,417 फीट की ऊंचाई पर है और यहां पर पानी के स्रोतों का अभाव है। जो कि पुराने जल स्रोत थे उनकी उपेक्षा करने से वे सूख चुके हैं। 2001 की जनगणना के मुताबिक 61,000 की आबादी वाला ये नगर आज भी गर्मी और बरसात में पानी की कमी से जूझता है। पानी की समस्या के संबंध में ये कई सुझाव लोग देते हैं और इसी को देखते हुए करोड़ों रुपए खर्च करके वहाँ बांध बनाया गया और इंटेक वेल बनाया गया जिसका मकसद ये था कि जब पानी साफ होगा तो इंटेक वेल को भरा जाएगा और उससे पानी की सप्लाई की जाएगी। लेकिन जब भी थोड़ी सी भी बारिश होती है तो उसमें मटमैला पानी आता है, वही पानी पीने के लिए सप्लाई किया जा रहा है जो कि बीमारी की जड़ है। अल्मोड़ा शहर में वर्तमान में पानी की जो समस्या है उसकी मुख्य वजह है जो डैम यहाँ बना उससे कुछ स्तर तक पानी की समस्या का समाधान हुआ, लेकिन विशेषकर बरसात के मौसम में जो उसमें गाद भर जाती है और पानी लिफ्ट नहीं हो पाता उस समस्या का समाधान विगत लंबे समय से नहीं हो पाया है। हमारे क्षेत्रीय विधायक और तमाम जनप्रतिनिधियों ने इसके लिए प्रयास के तहत एक इंटेकवेल बनवाने की योजना प्रारंभ की थी और जहाँ तक मेरी जानकारी है वो इंटेकवेल बन भी गया, लेकिन उस इंटेकवेल बनने के बाद भी जिस उद्देश्य से इंटेकवेल बना था। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ऋषिकेश में आयोजित रक्तदान शिविर में शामिल होने पहुंचे जिसके बाद वे रेलवे रोड स्थित एक होटल में पत्रकारों से मुखातिब हुए जहां पर उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य महकमा हर शख्स को वैक्सीन लगवाने के लिए जागरूक कर रहा है, टीका नहीं लगाने पर उसके दुष्प्रभाव भी बताए जा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन में मुस्लिम समाज में जागरूकता की कमी को बताया है। उन्होंने कहा कि वैक्सीन को लेकर किसी को भी भ्रम में नहीं होना चाहिए, टीका लगाने से फायदा और ना लगाने से नुकसान मिलेगा, लिहाजा सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि समाज का हर तबका वैक्सीन जरूर लगवाए। देखिए सरकार तो अपना काम कर रही है, सरकार का जो तंत्र है आशाएं हैं, आंगनबाड़ी है, हमारी एएनएम्स हैं और स्वास्थ्य विभाग है, तमाम जो उसमें डॉक्टर्स हैं विशेषज्ञ हैं वो तो अपना काम कर रहे हैं, वो जा रहे हैं, लेकिन कई जगह पर प्रतिक्रिया देखने को मिलती है। इसलिए समाज के लोगों को उसमें बढ़ना चाहिए। हम लोगों को जिन लोगों के दिमाग में इस तरह के बहम हैं कि इस तरह के रिएक्शन हो सकते हैं, दूसरे तरह के कोई नुकसान हो सकते हैं, तो उनको बताना चाहिए कि भाई इससे कोई नुकसान नहीं है, अगर आप नहीं लगाएंगे तब बड़ा नुकसान हो सकता है। तो एक अवेयरनेस की दृष्टि मैंने ये बात कही और मैंने नाम लेकर इसलिए कहा कि उस समाज में। वहीं रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा का मसूरी घूमते हुए एक पुलिसकर्मी द्वारा चालान काटे जाने का मामला सामने आया है और ऐसे में लोग अलग अलग टिप्पणी भी कर रहे हैं इस मामले पर, जिस पर विधायक प्रदीप बत्रा खासे नाराज नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि मसूरी में तैनात पुलिसकर्मी और उनके कुछ साथियों की हरकतों से उन्हें बदनाम करने की साजिश रची जा रही है जिससे वह कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। विधायक ने कहा है कि जो भी वीडियो वायरल है वह वीडियो का पहला पार्ट नहीं दिखाया जा रहा है बल्कि आखिर का कुछ हिस्सा वायरल किया जा रहा है और बदनाम करने की कोशिश है, जबकि सच्चाई ये है कि उन्होंने पूरे समय में मास्क पहने हुआ था, अपने परिवार के साथ में वह घूमने निकले थे, साथ में ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा था। और इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।